प्रत्याशी ने फिर दिखाई एकता और भाजपा प्रत्याशी को दिया समर्थन। जेतारण विधानसभा से 29 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरा, जिसमें से अनेक उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लेकर भाजपा प्रत्याशी अविनाश गहलोत को अपना समर्थन देकर भारी वोटों से विजय बनाने के लिए एकजुट दिखाई है। जेतारण विधानसभा क्षेत्र 116 प्रत्याशी अविनाश गहलोत के समर्थन में विशाल आम सभा गजेंद्र सिंह शेखावत, दीवान माधो सिंह आईजी पद के धर्मगुरु के आतिथ्य में अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर उनका स्वागत किया गया। हमारे मुश्किल नायक है मंच माधव, सभी बड़ा बड़ा व्यक्ति विराजिया है इन वहां से, सब रहो नाम नहीं ले, और मंच माधव विराज जोड़ा और हम भी विराज जोड़ा, सभी महानुभाव। मैं तो खुद ही धर्म गुरु नहीं हूं, धर्म संकट में मैं जितना मंत्री हो जाए, मैंने याद है बीकानेर ने 400 वर्ष पूरा बिहार में मोटो फंक्शन हो, राष्ट्रपति बिहार, प्रधानमंत्री बिहार, वही उन टाइम मंत्री आज बड़ो स्टेज में बैठन हो, मार कहने बीकानेर हो माफ हो और कहने बैठो अखबार में आई गो साहब चीर समाज के धर्मगुरु, ये मैं मंत्री तो ही मन वो कुछ है, अरे यार दीवान साहब ये को धर्मगुरु जी आने वाले थे ना मैं क्यों क्या मैं धर्मगुरु जैसा नहीं लगता हूँ क्या? अरे कोई धर्मगुरु ऐसे होते हैं क्या? तो मैं बाप जी मैं तो ठीक है, बिलाड़ा दीवान साहब ने घर में पैदा भेजा, बाकी मोर में कोई धर्मगुरु लखन नहीं है, माता जी निभावे हैं, आप लोग निभाव हो जाते हैं। चले आज 20 तारीख ने पार्टी त्याग पत्र दियो ना, पहली जतन में मीटिंग है उन भाजपा में जाया वापस है, तो पहलो मौको है कि जिन पार्टी माए ने 40 साल लिया उन्हें अगर गुंडी की कर बताऊं मैं तो लोग कहे भाई पहली पदार्थ जाता बजे उठे क्यों गिरा दिया। जिन जनता पार्टी ने आज तक खोटो कहता रिया उन्हें छोकी की कर रातों रात ही छोकी की कर वेगी जो मैं आप तक की हो आप पुराने इतिहास में जाओ। अबार भाई अविनाश की हो कि मैं 35 साल लो हूं, अरे भाई 35 साल लो जाने पहली बड़ा चुनाव लड़ी हो और उन टाइम लड़ियो जिन टाइम ने मायने पूरी इमरजेंसी लगोड़ी ये बोडिया हमें मरे हाथी कमी जरिया, परंतु इमरजेंसी ने मायने नसबंदी अभी बसारी बसा कटिन जावती मैंने सीधी हॉस्पिटल में लेगा और हैंगा रहा। अब मैं उन टाइम 75 में कांग्रेस में भाई लोग यही मोर सीवी समाज का मुखिया थे साहब अब बचाओ तो सही की करी जड़े मैं उन टाइम में 75 माह में कांग्रेस हरदेव जी बिजाड़े आया खाते मंत्रिमंडल भी हो और कांग्रेस का फार्म भरियो और फजे चुनाव भी आने कह के टाट मुला मुंडाई ने ओला पढ़िया अटी दे तो कांग्रेस ज्वाइन करी ने अटी दे कांग्रेस रही पूरी तरह हार लोकसभा में वेगी विधानसभा का चुनाव आया और हालत आ वेगी सब मौका परस्त लोग कांग्रेस में बैठा हा है छोड़ छोड़ ने ना आई सोजित रमाय ने हालत आ ही तो कोई उम्मीदवार फार्म भरनी तैयार नहीं, सीट खाली पड़ी। एक दिन पहले नाथुराम जी और मार्गन फोन आयो, अरे दीवान साहब आप कांग्रेस में तो आएगा मैं आपने ले आया, आ सीट खाली जाई पड़ी और एक तरफा पार्टी बराबर विपक्ष तो बराबर बनी चीज है, एडो नहीं वे क्या कांग्रेस रहो सफाई हुई वेजान खाची जीव दी नहीं भेज सके। अरे मैं क्यों साहब मने ही ना हार रे माने क्यों भेजो सीधी हार दिख रही है 25 में एक नाथ राम जी जीत गया हा एमपी में, बाकी 24 में ही कांग्रेस वाला हार गया और उन बाद विधानसभा चुनाव में हार तो हर के दीवान साहब हार जाओ तो हार जाओ पर एक बड़ा फार्म भर दो ने इन सीट ने निर्विरोध मत जाओ। मैं मारा उन टाइम मारे माँ हा पिताजी तो मैं 3 साल तो हो उन टाइम स्वर्गवास वेगो मारी माँ ने पूछो मैं क्यों इंतर हूँ अबे बेटा कर हिम्मत और 5 जना हाथे हालिया फार्म भरो अटे तो कितना जना दिया तो हेड़ो हेड़ो की मोरे उन टाइम में हालत आई कमला जी आप तो जानो 5 जना फार्म भरने बिलरा दीवान साहब फार्म भरने जा रहा है पर वो डर इतो ज्यादा हो कि 5 जना फार्म भरने हो जाते हाथे हालिया
फार्म भर दियो, हमें गांव में जावा के लोग और बहुत है। अरे साहब हमारी नशा कटती जड़ कटे पता दिया। अरे मैं तो खुद ही थोड़े बड़ाई जा रहे सत्तर मायने नहीं वहां और राज मायने पासो नहीं वे जने कोई हुई नहीं। तो भाई रे किन की मदद करो, किन की मदद करो, जरा आप माली समाज है, कुमाओ समाज है, बड़े सी भी समाज पे आप छानो को पूरा जुड़े को। अरे साहब नशा कटती जड़ कटे गया, पंद्रह पंद्रह दिन उठा जवार रखे तम पड़िया रिया जड़ कटे गया। अरे पर मैं थोड़े जो मई हा और माता जी मेहरबानी भाइयों की मेहरबानी के 495 वोट नु पहलो चुनाव जीत लो वासा जीत या फचे। एक बार इन भाई अविनाश ने भी हीक लो, एक बार तो जनता जीता ही दे पर बा हांडी अगर एक बड़ा चूल्हा माते चढ़ गई ने कालक कालक लाग गई तो अटे आप ही जाए जो को पांच पांच बड़ा जीता हो, बाकी दूजी जनता नहीं जीता है। कालक लाग गई तो वहां हांडी फाची चूल्हा माते नहीं चढ़े तो एक बड़ा तो जीत गा, विरोध पक्ष में जीत या राज जनता पार्टी रो आई गो। परंतु वो एमएलए का है एक रात रहा क्यों हर तीन महीना में हर गांव में जाऊं, हर गांव में लोग मुझे साहब है आप दीवान साहब हो, मैं उठे कटे बटेर में आवान आपने कटे हो दा कि अब कि अब कि अब मेल में बिरा दिया है कटे मैं क्यों थोने होते नहीं जरूरत नहीं मैं ही थोने होता हूँ ला। पर लोगों ने नेताओं ने विश्वास है उन चुनाव में वादा कह का वहाँ के बाप जी आपको तो हो पर घना ही हूं लिया मैं भैया हम कह के उनमें लाल रखे उनमें फर्क देख लीजिए। तो हर तीन महीना हर गाँव में जाओ तो बड़ा टाइम दे देता, पटवारी भी उठे बहता है, मास्टर भी बहता है, ग्राम सेवक भी बहता है। अगर हम ही गांव की पंचायती कोई पया खाओड़ो वे म्यूटेशन रोकियोड़ो वे तो पटवारी साहब ने उठी पूछता साहब भाई इतना महीना वेगा ने 10-10 हज़ार रुपया म्यूटेशन ने मांग लिया हो तो अपना पहली मैं पहुंचते उन्हें पहली पहली है जो मामलो करीब करीब लियोड़ियोड़ो वे तो हैंडपम्प खराब है तो बिजली खराब रहती तो मैं उठे उठे उन्हें निवारण हाथों हाथ भेजा तो। और वही कारण भी हो कि चुनाव ने राजनीति है तो बदनामी रही धंधा है खूब तो पैसा ही आ कोनी के मैं तहसील मैं उठे हाजिर ने तहसील वाला रजिस्ट्री में कोई 1% 2% क्या ही लिया करे वो प्रधान साहब ये तो ले 1% 2% तहसील रजिस्ट्री करे क्या ये तो मोरा हाथ ही लेता ए राजरा कर्मचारी तो ले। परंतु अगर एमएलए उनो हिस्सो बन जा उनो बंट ले ले के भाई तू ही तो खाई रियो है जो मारो बंट कटे मैं जने हो जे तो एमएलए जने मारे एक्सीडेंट है हो जे तुम्ही लाग था आप रे तो हमारा पीए साहब आवता उठे हो जे तुम्हें 31 तारीख ने। अरे मैं क्यों भाई पीए साहब अटके के पधारे एक साथ क्यों जाए घर में यूं तो जतनू हो जो वोट पीए साहब उठे की कर के महीना में चेक किता कटिया जतन रहा जो वो मारो बंट आपने धन्यवाद है कि आप फेर भी वन करता रिया। परंतु मोरो चुनाव जनता ही लड़ रही हमारा सीर समाज धन्यवाद दू कि बगड़ी चौताल वाला एक जीत बगड़ी चौताल वाला कर देता कंटाड़े चौताल वाला एक कैसा है 10 गांव मोरे हम मोरे जुम्मे 5 गांव मोरे जुम्मे बिलाव चौताल वाला। और मैं आज उभो हूँ 5 चुनाव लड़िया ने जीत या घरों एक पैसों नहीं खा लिया। अब घरों पैसे नहीं खाला तो फिर कमाओ किन बात पर और घर पाया खर्च कर 1 करोड़ रुपया तो फिर 10 करोड़ कमाओ आप ही बेईमान बनाओ हो आप ही ईमानदार बनाओ नेता ने। अगर नेता चुनाव के नहीं चंदो ले न करी तो चंदा वाला नहीं चंदा वाला पहली पत्तो पालो लाग के भाई वो लाख रुपया दिया है बाप जी जो है ये तो ठीक है वोट देना जो वोट तो दिया हो तो अगर इन आदमी ने ईमानदार रखनी चाहो इन जनता ने आप सुरक्षित रखनी चाहवा सरकारी कर्मचारियों की थानेदारी ने बेईमानी तो इन आदमी ने खर्चो मत करो माली समाज अटे बैठो है करो पैसों भेड़ो 1000-1000 रुपये गणपति करिया मैं तो 1 लाख रुपये भेजा करी समाज ही भेड़ो दूजा नहीं करे मैं तो घर में बताया पैसों तो हो अपनो समाज ही पयो भेड़ो करे और दूजा समाज ने हमारी मदद मांगी
अगर ईमानदारी की राजनीति जतन में लावनी चाहो तो आ बात में निश्चित कह रहा मैंने गाड़ी मिली को नहीं। अरे घर की गाड़ी है नहीं पाजी घर पाजी आधे आधे दिन कटे जाओ मोटरसाइकिल है नहीं भाई के तेल कौन आधे दिन तेल कौन भरा अपा है बेईमान बड़ों वाला अपा ही बेटा कैंडिडेट अपा यहां ने पाजी वो खर्च करे ने खीर ने पूरी जीवन वास्ते पधार जाओ वो बाप रो पयो जीव लिया वो साला मरो लाए ने वो पयो कटू वाले चोरिया वाले जगो जगो पया खोटा पया खाया है। मैं तो हमारे 25 साल की राजनीति में देख अक्सर ही गणाई पया खाया जो आज दौरा हमारा बेटा है दरुड़िया बेटा नेता भी पया खाया हमारा छोड़ा आज है रुलेट ईमानदारी राजनीति करो सब करो माता जी मेहरबानी रहे और पैसो तनखा भी दे सब है फैसिलिटी है यार कमाई रो पयो राखो। सो आज मैटे भाया न तो कोई भाजपा वास्ते घणो बात कह सका न कोई कांग्रेस वास्ते घणी बात कह सका पर एक स्वच्छ खाली स्वच्छता एक टटिया बनाने स्वच्छता को नहीं आ रहे स्वच्छता है जो आ राजनीति में स्वच्छता है। ईमानदार सरपंच ने ईमानदार व कटु स्वरूप है राजेश पायलट एक बार हो जाता है जनकी हो के नाल है गंदी भरी उन्हें साफ करनी है तो नीचे लो पोगो साफ करो तो ऊपर लो कचो आज पड़ जाए साफ करना है तो ऊपर बोरो काटनो हलू करो तो वो साफ वेती वेती वा पूरी नाल साफ भेजे ही और एमएलए रो चुनाव है जटू वापस स्वच्छता शुरू कर सका जतान में कोई मोदी जी आवे न कोई वसुंधरा जी आवे अटारो तो ठाकर समझो ने मालिक समझो तो एमएलए जो है एमएलए ईमानदार है एमएलए चरित्रमान है एमएलए कि नहीं पक्षपात दूर है तो जो जनता हो रही और अगर एमएलए बिगाड़ माते आए गो ने मैं जरोगड़ा हरू कर दिया दूजा ने की करो मंदरो अधिकारी मोरो खुदरा ही उदाहरण खोटा है के खुद गुरु जी कांदा खावे ने दूजा ने उपदेश बतावे है उपदेश वाला जमाना। सो आज एक नौजवान भाई 25-35 साल रहा और एमएलए बढ़िया ने 5 बार हो जित वाला लगातार जितावता रिया ने हाल भी जितावता रहता वा अगर वह शेड्यूल कास्ट भी बनती तो राजनीति छोड़ो और अपन धर्म रा काम मत है लाग जाओ जो उठी ने लाग था और उठी ने लाग रही माता जी रो सहयोग पूरो रियो के आज समाज हर बात में प्रगति है। तो आज ने दिन अटे इतनी जनता विराजा हो निवेदन हो ही जाए कि एक नवो अध्याय शुरू करनो अपन कर बाकी हांडी अपन चढ़ी देख ली है एक एक बड़ा दो दो बड़ा चूल माते चढ़ी है कितनी कालक लगी नहीं लगी को काल जो बले काल जो अपन ठा है चढ़ो रही हो वो एक नवी हंडी है यार जो जो अपने प्रतान जोड़ी है जिन हाथ लारे समाज जुड़े तो समाज उन्हों कान पकड़ सके बेटा कई उल्टा काम कर लिया हो सत्ता आवता ही मद आ गया सत्ता आवता ही चमचा चार ही कन्यों घेर ले सत्ता आवता ही है जो है बिचला दलाल है जो एड़ा घेरे के कार्यकर्ता तो आपको विजान जनता ताकि विजान वे छोका बल लगन डूब जावे आपने भी अविनाश वो चैलेंज है एक आगे बढ़न दो और कुछ कर दो पैया तो यार धंधा में कमाए ना दो पैया तो चोरा का नहीं पैया मैंने याद है मैं अटबड़ा सरपंच चौकीदार मैं उठे मंत्री हाथ बैठा बैठा उठे बातें करता हा कोई कहता सा वो थानदार इतना पैया खावेन और इतना खावेन और सरपंच खावे जनू चौकीदार बोलियो कैसा चोर यार पया रहता तो मोरगंदे रहता ए तो हमें ढुका है वो तो हजारों वर्षों चोरिया करा पड़े दिवाली ऐसा चोर यार पया रह चुको नहीं ए पुदे है जो ए पया जिनके ने गणा पया बिना मतलब आयोड़ा है ए पुदे है जो वो अपन छो कूदता वे आखिर में ठाणे वे आज दिन आप लोग आज निवेदन करना है कि मैं कहीं हो समझ ने पार्टी छोटी नटी आया हमें आएगा जो आएगा हमें ताकत लगा है ने अपन इन पार्टी ने जितावनी है और भाई गहलोत ने है जो को पाली जिला में सबो पत्ता वोट हूँ जीत में जावे सब जवाब है और कम वो कम खर्चा हूँ और बताओ बती ताकत हूँ जीत में जावे तो जतन में नाम अपना ऊपर है बहुत बहुत धन्यवाद है दीवान साहब पूजनीय दीवान साहब है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिया बाद में पहलो पहली सभा आपने जैतन में करी बहुत अपना भाग्यशाली आ बहुत भाग्यशाली आ दीवान साहब साथ साथ एक भगवान का रूप है और अटायर आश्रय